गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग अदर स्टेट्स के नेबरिंग जो स्टेट हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। तीसरा जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंटर गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे। तो ये मुख्य तौर पर बिंदु हैं जिसके लेकर के आज डिस्कशन हुआ है और आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी कर। LG ने चिट्ठी लिखी थी CM को, कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे, वो लागू नहीं किए गए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 74% जो है प्रदूषण का